हेलो हेलो सर, मड़िया पुलिस चौकी। हेलो हाँ सर, अभी चौकी पे हो आप? क्या हेलो। है? नहीं सर, मुझे वहाँ पे मतलब आना था। मैं किरण गोसावी बोल रहा हूँ। हाँ तो सर मुझे यहाँ क्यों मतलब आएंगे? जी यहाँ क्यों आएंगे? मड़ियाव सर क्यों जाएंगे? जी मड़ियाव क्यों जाएंगे? सर मुझे जरा सरेंडर होना है सर। क्या सरेंडर होना है सर? यहाँ क्यों सरेंडर होना है? जी मड़ियाव में क्यों सरेंडर होना है? सर, क्योंकि नज़दीक का पुलिस स्टेशन यही है मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है जी आप कहीं और देखिए, आप कहीं और देखिए। ये आरटीओ मुंबई ड्रग्स केस में फरार चल रहे एक गवाह किरण गोसावी और यूपी की राजधानी लखनऊ के मड़ियांव थाना अध्यक्ष मनोज सिंह का बताया जा रहा है, लेकिन लोकल वोकल न्यूज इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल मुंबई ड्रग्स केस में बीते सोमवार को यूपी की राजधानी लखनऊ के मड़ियांव थाने से अचानक ऐसी खबरें आने लगी कि मुंबई ड्रग्स केस का गवाह किरण गोसावी मड़ियांव पुलिस थाने में सरेंडर करने वाला है, जिसका एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो चुका था। किरण गोसावी वही शख्स है जिसका फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद से सियासत शुरू हो गई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार किरण गोसावी की गवाही पर सवाल उठाते रहे हैं। वहीं मुंबई पुलिस किरण गोसावी की तलाश लंबे वक्त से कर रही है, क्योंकि उस पर 420C का मुकदमा दर्ज है। बताया जा रहा है कि किरण गोसावी ने पुणे के रहने वाले चिम्या देशमुख नाम के शख्स से मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी की थी। तब से मुंबई पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उधर आर्यन ड्रग्स केस में किरण गोसावी की फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद गोसावी फरार चल रहा है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किरण गोसावी ने अपने ऊपर लगे रंगदारी के आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं किरण गोसावी ने मैसेज के जरिए बताया कि मैं खुद को मुंबई पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता हूं, लेकिन इस राजनीतिक मुद्दे के कारण मैं खुद को छिपा रहा था। मैं क्रूज पार्टी ड्रग्स मामले के बारे में सच बताना चाहता हूं। मुझे किसी ने बताया था कि मुझे मेरे पूरे मामले में गिरफ्तार करने के बाद बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा। वहीं यूपी पुलिस ने गोसावी से बातचीत के आरटीओ को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन बीती रात मड़ियांव पुलिस थाने में लगी मीडिया की भीड़ कुछ और ही इशारे कर रही थी। बहरहाल यूपी पुलिस ने गोसावी को हिरासत में लेने से इनकार कर दिया है। बता दें कि किरण गोसावी के निजी सुरक्षा गार्ड होने का दावा करने वाले प्रभाकर सर ने आरोप लगाया है कि उसने गोसावी और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा दलानी और सैम डिसोजा के बीच एक बैठक के बारे में सुना था, जिसमें 25 करोड़ रुपए के सौदे की बात की गई थी, जिसमें से 8 करोड़ एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े को देने की बात कही गई थी, जिसके बाद समीर वानखेड़े पर सवाल उठने लगे हैं। एनसीबी नेता नवाब मलिक इसके बाद समीर वानखेड़े को लगातार घेर रहे हैं। इससे पहले भी नवाब मलिक ने वानखेड़े की नौकरी छीनने और उसे जेल में बंद करने की धमकी दे चुके हैं। इसके बाद समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर उसके खिलाफ कार्रवाई से बचाव की मांग की थी। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों से परेशान होकर वानखेड़े ने अपनी जिंदगी से जुड़े 2 हलफनामे कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। टीम लोकल वोकल।